क्या बताऊं मैं, बताए एक गांव में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी मस्जिद, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी कुछ जगह हैं जहां मस्जिदों के अंदर में ताला लगा हुआ है, मस्जिद वीरान पड़ी है, उस मस्जिद का कोई पुरसान हाल नहीं। मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो एक दिन वही ना होगा कि मस्जिदों के अंदर में ताला लग जाएंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएगी। और जिस मोहल्ले की मस्जिदें जब वीरान हो जाती है, अल्लाह उस मोहल्ले को बर्बाद कर देगा, घर खुशहाल नहीं होगा। ये मस्जिद का भी पेट है, अरे हमारा पेट है कि नहीं, तो आपका पेट है कि नहीं भाई, आपका पेट है तो मस्जिद का पेट नहीं है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, पुलाव खाते हैं, मछली खाते हैं, तो मस्जिद को जो भूख लगेगी वो क्या खाएगा, वो नमाजी को खाता। नमाजी खुराक है, मस्जिद का खुराक नमाजी है। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में जाता है, ये मस्जिद का पेट भरता है, मस्जिद खुश होती है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। तो वीरान मस्जिद थी, ये जारों के टाइम में ना औरतें, वह धूप आती थी वहां पर मस्जिद में, तो मस्जिद के सेहन में ना औरतें बच्चा लेकर बैठ जाती थी धूप खाने के लिए। चलो गली अपनों भी बैठी जी, बच्चा भी खेलेगी, वीरान मस्जिद। भाई देखिए भीड़ बहुत है, ए बाबू जगह तो है नहीं, आप लोग खड़े ही खड़े वहीं पर सुनिए, इसलिए कि अब गुंजाइश नहीं, इधर भी जगह नहीं है, आप लोग जहां हैं वहीं खड़े होकर सुनिए। माशाल्लाह संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। अच्छा इंशाल्लाह भाई गुजारिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिल जाते, कुछ लोगों को बैठने की जगह मिल जाती, थोड़ा सा जाड़ा का टाइम है, थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा माशाल्लाह। हाँ, इधर वाले भी थोड़ा हिल जाइए, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मजमा, माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से सबकी हिफाजत फरमाए, बैठ जाइए, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, बैठ जल्दी बैठे, गुफ्तगू पूरी होने वाली है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी, बैठ जाइए। उधर भी जगह खाली है, थोड़ा उधर खसर जाइए इधर, और इधर भी जगह खाली है, बाएं साइड थोड़ा खसर जाइए, ताकि जो खड़े हैं उनको जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। ए बाबू ए कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, बैठिए, बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। अच्छा एक वादा करो, ये जितने बच्चे लोग बैठे हुए, ए बाबू बैठो, बैठ जा, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बाबू, बैठ जा, बैठ जा। जाड़ा का टाइम है, सट सट के बैठिए, कोई जाएगा आएगा नहीं ना, हाँ आ ही लगला तब तो जिम्मे पड़ती। एक ये तकलीफ कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है बोल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला बहुत जोर से लगला था, बोले बैठो थोड़ी देर, बैठ जाओ, बैठो, बैठ गया। वो लड़का इत्मीनान होके बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी उसके ऊपर में, तो हम गए बेटा जो बोली नहीं जुओ, जो करण जी है, बोले आप की करेल जीवो, जे करेल जय जला नहीं है भैगली साहब, जब जरूरत नहीं थी। औरतें बच्चों को धूप खिलाती थी, अपने भी धूप खाती थी बैठकर मस्जिद के सेहन में, वीरान मस्जिद थी, कोई आजान देने वाला नहीं। अब क्या बोलिएगा, एक औरत मस्जिद में बच्चा उसका पखाना कर दिया, अब मस्जिद में जब बच्चा पखाना किया, ये औरत देखी कि रे बाप बच्चा हागल के आई गू सोना भैगली, वो पखाना सोना हो गया, ये औरत चंबे में हो गई कि ये क्या मांझ रहा है, बच्चा का रास्ते से पखाना मस्जिद में गिरा, और जैसे ही मस्जिद में गिरा सोना हो गया, जल्दी से सोना उठाई साड़ी में पानल के, अब बेटा बोले फिर आ गए, ये बेटा आ गए। अब बच्चा कितना पखाना करेगा, बच्चा कितना पखाना होगा उतना ना करेगा, बहुत कोशिश की नहीं पखाना किया, चली गई।
शोहर को बताए कि यहाँ देखो मस्जिद में बैठे ली पखाना करके सोना भैग दे। बोले ठीक है जी। तो शोहर बोले कि सुने साया बिलाचे निकला खूब खिलाए गया दिन दी मरता पखाना करा भाई। अब सोना जहाँ आ रहा हो वहाँ गरीबी रहेगी भाई, गरीबी रहेगी। अब पैसे का ठिकाना नहीं तो और औरतों को भनक लग गई भाई ये तो गरीब आदमी था, देख रहे ईंटा खरीद के लेके आया है, पक्का का मकान बना रहा है, खेत भी खरीद लिया है, ये पैसा लाता कहाँ से, समझ में नहीं आ रही बात। तो एक औरत इसके पीछे पड़ गई कि देखें ये करती क्या है, ये रोजाना ले जाकर बच्चा को पखाना मस्जिद में कराती थी, सोना घर में लेके आती थी। एक औरत छुप कर देख ली कृपा इगर बेटा पखाना करके सोना निकली, बस ये भी अपन बेटा लिया बैठ के बेटा यही आ गया। वो बच्चा भी पखाना गया, वो भी पखाना सोना हो गया। देखते देखते पूरा मोहल्ला अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना कराने लगा, सबको सोना मिलने लगा। अब लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने उस बस्ती के साथ में क्या किया, वो बस्ती रही कि नहीं रही, वो बस्ती का क्या आलम हुआ। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उस महल्ले को आबाद करेगा। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार है ज़रा हाथ उठाएं इंशाल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठाना मेरा काम था, अल्लाह इसको मस्जिद का आशिक दीवाना बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नमाजों को कायम करो मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होशो हवास है, शरीयत यह कहती है कि जब तक होशो हवास में बंदा है नमाज उसके ऊपर में माफ नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज उसके ऊपर में फर्ज है। हाँ नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए। पहला वो शख्स जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर नमाज नहीं है। जब तक वो सही अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक वो नमाज वो नहीं पढ़ेगा। अब वो पागल है, पागल तो पागल है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स जो मर गया हो, जो मर गया हो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है। अब सोचो जिन्हें पढ़ जा नमाज, सोचो कि तिक्के करा में छा पागलों में छा कि मरने वाला में छा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। सबसे पहला अल्लाह का घर, तो हजरत आदम अलैहि सलाम जन्नत से आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अब वो जन्नत का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नत बहुत हसीन जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है।